मेट्रोपोलिस भी है। यही मॉल है, यही मॉल है, पक्का यही है। आई वॉच और एक प्रीति के पास आई वॉच, सबके पास है आई वॉच। और प्रीति से मेरे को पड़ रही है गाली बिकॉज नाश्ता बन चुका है और टाइम 150 ऊपर हो रहा है, हम नाश्ता कर रहे हैं अभी। क्यों? सिर्फ प्रीति के चक्कर में देती नहीं है खाना हमें टाइम से। जीजू खाना मिलता है आपको टाइम से? 4 दिन का पास्ता खाने की आदत है तो मैं वो ही देना चाहिए, तुम लोग ताजे के लायक ही नहीं हो। ताजी सब्जियां बनती है, इनको 2 दिन फ्रीज करके रख दो, राजमा को इनको परसों निकालो, आराम से खा लेंगे। अब सुबह सुबह खाने के साथ ऐसे ये चिक चिक बाजी मिलती है ना, हमें बहुत मजा आता है, हमारा खाना हजम हो जाता है। चाय चू चू ची ची चा 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 चा। चल बाय सन्नी। सन्नी है बुआ जी, बाय बाय। तो अभी बुआ जी और सन्नी जा रहे लुधियाना, क्योंकि रहते हैं लुधियाना। हेलो, इसको क्यों छोड़ गए वो तो पूछ लो। क्यों? वजन ज्यादा था, टायर पंचर हो जाता है, चलेगी जो। नहीं यार ऐसा नहीं है। चल भाई बाय बाय, जल्दी लगाइयो चक्कर, यहीं पर यही मिलेंगे फिर से। ये बिना मेकअप के लोग डर जाएंगे यार, क्या कर रहा है तो डर जाएंगे। जान ना नानू ले भाई साहब, अभी बुआ जी यहाँ पर हैं, ये ना हो आप भी बैठो मैं भी बैठूं। हाँ कोई फालतू नहीं, हाँ सुबह से वैसे हमारा हाल बहुत खराब है, सुबह से प्रीति ने हमें बहुत मारा। चल यार अंदर चलो चलो चलो। हाँ नहीं बुआ जी नहीं मारते, बुआ जी बुआ जी के हालात क्या थे, आलू के पूरी के साथ चिकन खा रहा था बेचारा। बुआ जी हमारे प्यारे हैं, बस ये पता नहीं ऐसी क्यों निकल गई, ये समझ नहीं आया, लेकिन बुआ जी सही है। चलो बुआ जी अंदर चलो, आप बुआ जी को अंदर लेके जा रहे। जीजू इसको बता देते ना अंदर, भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो पूरे घर में चल रही है मैगी पार्टी, यहाँ भी मैगी, और कौन कौन खा रहा भाई मैगी, यहाँ भी मैगी, यहाँ भी मैगी, यहाँ भी मैगी, हर जगह मैगी, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक मैगी मैगी मैगी। तो अभी कीरत के लिए कुछ चॉकलेट्स आई हैं, लेकिन वो बाहर गया है, और इसमें से एक चॉकलेट हम उठा लेते हैं, और क्या क्या है, नहीं एक चॉकलेट ही बहुत है, अभी उसको पता नहीं लगेगा तो मैं खा लूंगा, अगर पता लग गया तो फिर चलेगी घूसम ही घूसम, घूसम घूसम क्या घूसे ही घूसे। चले जीजू चलो आ जाओ। तो अभी हम जा रहे सेक्टर 23, हमें कुछ काम है, उसके बाद हमारी आज की पिक्चर है चल मेरा पुत 3। पहले 1 देखना, फिर 2 देखना, फिर 3 देखना, तभी मजा आएगा। और पिक्चर अच्छी है, बीच बीच में हंसी मजाक है, बीच में थोड़ी सीरियस हो जाती है। देखो मेरे को तो तीनों पार्ट अच्छे लगे, वैसे हमारा प्लान था किस्मत 2 देखने जाएंगे, लेकिन वो प्लान कैंसिल कर दिया बिकॉज हमें थोड़ा रोना धोना नहीं है, हमें थोड़ा लाइफ में खुशियाँ चाहिए, हंसी मजाक चाहिए। चलो भाई ये चॉकलेट कौन लेके आया? पता नहीं भाई, 3 भी आए, जो भी लाया गायब हो गया, इसमें से एक चॉकलेट ना। भाई इस लाइट का कुछ करना पड़ेगा, फिर उतर गई है जीजू, गाड़ी तो अंदर से, हाँ गाड़ी अंदर से चमचम आ रही है। वाह, एक्चुअली चक्कर क्या था ना, इस जगह पे कोई ऑयल का निशान पड़ा हुआ था, मे भी हो सकता है कोई बच्चा वगैरह बैठा होगा। ओ भाई कहाँ घासों में कहाँ चले गए हो। तो मे भी हो सकता है कोई बच्चा वगैरह आगे खड़ा हुआ होगा तो उसका सर यहाँ पर लगा होगा, तो वहाँ से ऑयल लग गया था, तो यहाँ से ना देखने में दिक्कत हो रही थी। मतलब जब मैं वीडियो बना रहा था ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आज चंदन भैया को बोला भैया अंदर से शीशे एकदम चमका देना, अब एकदम क्लियर नजर आ रहा है ना सामने। आज संडे है, कहाँ मार्केट जाते सेक्टर, आज मिले मोमोज लोगे? मोमो सिर्फ आज खा लूंगी ना, फिर कल से नहीं खाऊंगी। पता लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, भैया आप इतना कंटेंट कहाँ से ढूंढते हो? हम बोलते हैं हम कंटेंट ढूंढते नहीं है, हमारे पास खुद आता चल के कि मैं आऊं मैं मोमोस खा लूं। अच्छा मार कर दिया, कैमरा ऑन था ना, अबे सिर्फ कैमरा ना, मैं सोच रहा हूं ड्राइंग रूम में सीसीटीवी लगवा दो, अपने आप ही कंटेंट अपने आप ही बनता रहेगा, हर 10 मिनट में एक वीडियो डालते रहेंगे। चल ठीक है, ये चॉकलेट कौन लेके आया था? ये नीचे लाई है, बस उसमें से एक मैंने खा ली, बच्चों को बताइए मत। अब कहाँ पे पड़ी थी ये? जहाँ मर्जी पड़ी हो, घर में ही थी, तो आधी को दे दे। ये देखो इसको, ये इसको चॉकलेट भी खानी है, मेरा कैमरा सेट हो जाए, इसको चॉकलेट भी खानी है, इसको लेकर आ रहे हो मोमोज भी खाने, अरे पूरी दे दे, 2 पैकेट है तेरे पास, पूरी क्यों दे दे यार, बच्चों को एक एक दे दूंगी ना यार। बच्चों को उसमें पड़ी हुई है, और तंदूरी लाना बोले उसके, और वो साथ में पीनट वाली चटनी जा यार, तंदूरी मोमोज साथ में। भाई ओ भाई इतना जाम है ना, और जाम की वजह एक तो आज संडे है,
ऊपर से भाई ये मार्केट बहुत मशहूर है, तो अभी मैं गाड़ी से सिर्फ उधर से उतर के इधर आया, सब्सक्राइबर आ गया था कोई, कह रहे फोटो खिंचवा लो, बोला हाँ जी खिंचवा लो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है यार। वो दूर से जाम यहाँ तक है, वो गाड़ियाँ आगे नहीं निकलेंगी, हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और ये सामने गाड़ी देख रहे हो, ये जो खड़ी हुई है ये सारी की सारी गलत खड़ी हुई है, नहीं तो यहाँ से भी जाने का रास्ता होता है, यहाँ से भी, मतलब दो लेन होती है, यहाँ से भी निकल जाओ आगे से भी निकल जाओ। ये जो चार गाड़ियाँ ना किसी ने गलत खड़ी कर दी हैं, इसकी वजह से ये वाला रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया आगे वाला। वो कहते हैं ना हर जगह मतलब गाड़ी चलाने की भी पूरी समझ होनी चाहिए, ये नहीं कि गाड़ी आपको चलानी आती है भाई, पार्क करने भी आनी चाहिए, इंडिकेटर देने भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, वो परफेक्ट माना जाता है कि हाँ भाई उसको बढ़िया गाड़ी चलानी आती है। लेकिन लोगों को क्या है, बस रोड पे गाड़ी चलानी आ गई लेके निकल लेते हैं, कहीं पर भी खड़ी कर देते हैं, पार्क कर देते हैं, और हम हॉर्न मारते रहते हैं भाई हटा लो हमारी गाड़ी निकल जाए, चलो कोई नहीं होता रहता है। तो वो सामने सारे के सारे ना लाइन में मोमोज वाले खड़े हैं, तो जीजू गए मोमोज लेने के लिए, अपने को पार्किंग की जगह मिल गई है। मिली कैसे, बस एक I-20 वाला बाहर निकाल रहा था, मैंने थोड़ा वेट करा, जैसे उसने बाहर निकाली मैंने अपनी गाड़ी घुसा दी। अब मैं यहाँ से निकलने नहीं वाला, बिकॉज हल्की सी गाड़ी मेरी बाहर ही है, अगर किसी को दिक्कत होगी तो गाड़ी में एक बंदा बैठा होना चाहिए, और 5 मिनट में आ जाएंगे जीजू। ये आ गए मोमोज, और ये क्या है कॉर्न, अच्छा स्वीट कॉर्न, वो इस करके ले लिया, दोनों माँ बेटी लड़ी होंगी पक्की बात, उसने तभी गुस्से में फोन कर दिया मुझे नहीं चाहिए। ओके ओके, तो भी पैरी का फोन आया था निकलते हुए, उसने बोलता कॉर्न लेते आना, और जब यहाँ पहुँचने लगे कह रही मेरे लिए कॉर्न मत लेके आना बड़े गुस्से में, तो बस यही हुआ होगा, 100% यही हुआ होगा। मम्मी ने कुछ कहा था, मैंने पहले बोला था मेरी चॉकलेट उसको क्यों दे रहे, मेरी कोई बात नहीं, मैंने कहा था लड़ाई हो गई थी, मैं वही बोलो एकदम से, अभी स्वीट कॉर्न मंगा रही, अभी मना कर दिया है। लो जी ये डाइटिंग आपके लिए, चंदन भैया बोलो जी, गाड़ी चमक रही थी अंदर से, अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया। चल बहन, पता नहीं आज मेरे को नींद सी क्यों आ रही है, मतलब ना वो एक जैसे मूवी देखने जाता है ऐसा होता है ना, मूवी देखने जा रहे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है मूवी देखने जा रहे हैं, हो सकता है मैं आधी मूवी देख के सो ही ना जाऊं। तेरे को भी हो रहा है ना, आलस आ रहा है, तो नींद नहीं पूरी हो रही है हमारी, उस वजह से हो सकता है आलस आ रहा है। बंद बढ़िया देख, हेलो हेलो, शादी में जा रहे हो, तैयार हो के आ गए हो, ये शादी के तो नहीं है, बताओ हम नाइट सूट में घूम रहे हैं, ये तैयार हो के आ गए, 2.5 किलो मेकअप लगा लिया, 2.5 किलो मेकअप लगा लिया, 5 किलो मेट्रोपोलिस भी है, यही मॉल है पक्का, यही है एक्चुअली MGF मेट्रोपोलिस भी है, मेट्रोपोलिट, ये कौन सा है, ये मेट्रोपोलिटन है, एक पॉलिथिन है, एक पॉलिथिन है, पता नहीं कितने, नहीं तीन ही है, पॉलिस है, पॉलिथिन है, नहीं पॉलिथिन, तीन बोला हमें पता नहीं टिकट का, ये मेट्रोपोलिटन है यार, ये तो मेट्रोपॉलिटन है, तो आप पॉलिथिन क्यों कह रहे हो, मेरा मन कर रहा था, अच्छा मेरा मन कर रहा था। भैया आपको सिर्फ एक बंदे का ध्यान रखना है, ये जेब में भर लेती हैं, ये बच्चों को कैंडी दिख जाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना ले, मेरे को अगर पिक्चर निकलवा दो यहीं रह जाओगे। पेरी कोका कोला, ये कैसी है, ये गंदी है यार, ए चक मार के दे रही है वो, तेज शानी देख रही हो, नहीं कोका कोला सबसे देसी, ये अच्छी है, वहाँ घटिया, ये वहाँ घटिया किंग है, सबसे बढ़िया वाटरमेलन, आपकी चॉइस अच्छी नहीं है, ये तो सन्नी भैया की चॉइस अच्छी है, जो आप आज उनके साथ हो, क्यों भाई कहाँ जा रहे, फसा ये मार दिया मेरे पैर पे, अरे हो भाई साहब ये मेकअप वाली औरत ने मार दिया, ओ सॉरी लेडी, रात के 12:30 पूरा मॉल बंद हो गया, हम तो बंद नहीं हुए,
हम तो ऑलवेज खुले रहते हैं। किसको खुला हुआ है? किसको किसको पिक्चर बेकार लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एंड बेकार था, मैं भी ये कहना चाहूंगा। कहने का मतलब है इसका फोर्थ पार्ट भी आने वाला है, अगले साल आएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आता। तो अभी इस दरवाजे से सुपर बाइक आने वाली है और ये आ गई। ओ बढ़ गया भाई, घुस गया ना। अबे तो घुसा भी तो है, लगी तो नहीं है? नहीं, ठुक गई क्या? इतनी तेज लगी है, धाड़ की आवाज आई है। जल्दी बोलो, पकड़ इसको। मेरे वाला कौन सा है? कोई भी ले ले, बड़ा वाला है। जल्दी बोलो। और इंडिगो एयर इंडिया। ये मैं आपको बता दूं ये क्या है। इसको आए हुए तो महीना हो गया, लेकिन अभी तक मतलब एक ही बारी दी है हमने। उस समय तो ये मैंगो है ना, किया था ना? मैंगो है ना ये? मैंगो। ये वो है जो महाबलेश्वर से लेकर आया क्रशर। वेरी सही में अच्छा है। बस अभी सोने की तैयारी है। पहले मैं क्या करता था ना, रात को वीडियो एडिट करता था, मतलब पहले ये लद्दाख जाने से पहले, लद्दाख नहीं चैल जाने से पहले, कि रात को ही 12 बजे तक वीडियो एडिट करी, सुबह 9 बजे आ गई। लेकिन अभी क्या सीन है ना, अभी दिन में एडिट करता हूँ, रात को सो जाता हूँ, अपनी नींद पूरी करता हूँ, दिन में उठता हूँ 6-7 बजे नींद नहीं खुलती तो 11 बजे उठता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, इसलिए थोड़ा शेड्यूल ना बिगड़ा हुआ है। कभी 9 बजे आ रही, कभी दोपहर के 11 बजे आ रही, कभी 3 बजे आ रही, कभी शाम के 5 बजे आ रही है। तो ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा सही करने में। देखो होता क्या है, जो एकदम लाइन में चीज़ चल रही होती है ना, उसमें फिर उबड़ खाबड़ आ जाए। उबड़ खाबड़ में चैल चले गए, लद्दाख चले गए, फिर कभी कहाँ, तो वो थोड़े बम्स आ गए, लेकिन हो जाएगा ठीक। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख लिए तो लाइक करें, बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय 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 बाय। स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन होप करते हैं आपको समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। चलो बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।